सेकेंड एपिसोड ऑफ एनएस और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी एफ को यानी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को। एफ का मतलब फोल्ड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके फीचर, क्या आपको इसके लेना चाहिए, ये अपने प्राइस पे जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, या फिर आपको एम आई फ्लैक्स के लिए रुकना चाहिए जो कि Xiaomi का पहला फोल्डेबल फोन होने वाला है। चीज़ और इसमें मेरे को जो प्रॉब्लम लगी वो पबजी गेम की लगी, वो क्या प्रॉब्लम है वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीर्वाद गोपाल। तो जैसे कि आपको पता है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च हो चुका है और वो कल लॉन्च हुआ। फोन के फीचर काफ़ी अमेजिंग है, तो मैं फीचर से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको दो ओलेड डिस्प्ले मिलेगा 4.3 इंच का, जिसे आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, और जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो ये 7.3 इंच का डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग रहा है। जैसे कि आपको पता है सैमसंग का जो डिस्प्ले रहता है वो काफ़ी अमेजिंग दिखता है। और एक बात ये, जब ये 4.3 इंच के डिस्प्ले में रहता है यानी फोल्ड होकर रहता है, तो ये फोन काफ़ी हैंडी है। हैंडी का मतलब आप इसे एक हाथ से काफ़ी इजिली पकड़ सकते हैं, साइज़ है वो भी काफ़ी कम है, जिसको पकड़ने में काफ़ी हैंडी लगता है। ओके, तो इसलिए ये 4.3 इंच का डिस्प्ले मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको इसके टॉप राइट कॉर्नर में नॉच मिलेगा, और वो नॉच कैसा है मैं आपको बताऊंगा, और उसमें एक प्रॉब्लम भी है, क्या प्रॉब्लम है वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। ओके, इसके डिस्प्ले के अंदर आपको ठीक सा प्लास्टिक मिलेगा, आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं मिल रहा है, कम से कम थोड़ा एक प्लास्टिक दे देना था, क्यों, क्योंकि जब भी ये फोन को फोल्ड करेंगे तो स्क्रैच मत आ जाए करके, बस इसीलिए। चलिए जल्दी से इसके क्विक फीचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 विथ 12GB रैम, 12GB रैम बहुत है, और इसमें आपको 4380mAh का बैटरी मिलेगा, और वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा और क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा 2.0। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश, और फ्रंट में डुअल कैमरा मिलेगा, क्योंकि ये 10+8MP का, यानी कैमरा भी इसका काफ़ी गजब होने वाला है। और एक बात ये कि इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, 5G सपोर्ट करता है। सैमसंग ने अपना फर्स्ट फोन भी लॉन्च कर दिया जिसमें आपको 5G मिलेगा, जो कि सबसे सस्ता है, जो कि है 10E। इसका प्राइस है अराउंड 55,000। ई का मतलब होता है इकोनॉमी या फिर एवरीवन कुछ भी बोलता है। और इसमें आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जिसे हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोलते हैं। और अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इसे लेना चाहिए। अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आप इसे ले लो, ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है। इसका डिस्प्ले तो बहुत ज़बरदस्त है, जब वो फोल्ड हो कैसे होता है तो एक नंबर दिखता है। सो 145,000 क्या इसका प्राइस जस्टिफाई करता है? हाँ, इसका प्राइस जस्टिफाई करता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 12GB का रैम मिल रहा है, कितना अच्छा कैमरा मिल रहा है, डिस्प्ले मिल रहा है, और 4.3 इंच का डिस्प्ले जब फोल्ड होने के बाद हाथ में आएगा तो मस्त लगेगा एकदम। तो ये प्राइस के लिए जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि आने वाले जो आईफोन है क्या पता हो इससे पार ही हो 1,40,000। ये प्राइस आपको जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्राइस में। मेरा वो कहना है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इस फोन को जरूर लीजिए। फिर भी बोला जाए तो 1,40,000 कुछ ज़्यादा हाई है। और क्या आपको मी फ्लैक्स के लिए वेट करना चाहिए? हाँ, आपको मी फ्लैक्स के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि इससे ये फ़ोन सस्ता ही होगा। मी फ्लैक्स है, Xiaomi सस्ता ही रहता है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया, आप उसे जाके देख सकते हैं। और जैसे कि ये सिंगल फोल्डेबल फ़ोन है, सिर्फ एक बार फोल्ड होता है, वो दो बार फोल्ड होगा। ओके, इतना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो फ़ोन भी कैसा रहेगा। अगर वेट कर सकते हैं तो दोनों को कंपेयर करके ही लीजिए, अगर आप सिर्फ एक बार फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो। वैसे तो ये फ़ोन भी अप्रैल से मिलना ही चालू होगा। तो अब जो मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है, और क्या पता वो हो कि नहीं हो, वो तो उसमें गेम खेलने से ही पता चलेगा। ओके, तो जैसे कि आपको पता है पबजी मोबाइल गेम है, आप कोई भी नॉच फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर नॉच यहाँ पर है तो उतना दूर हाइड हो जाता है। ओके, क्या पता वो अब अपडेट से फिक्स हो जाए कि नहीं हो, वो तो पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे कि आप इसमें पबजी गेम खेलेंगे तो यहाँ पर जो आपका मैप रहता है वो तो हाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नॉच है वो आपको साइड में मिलेगा, क्या पता वो एडजस्ट हो जाए। अगर एडजस्ट होगा तो भी जो साइड है वहाँ पर तो आपको ब्लैक लाइन मिल जाएगा। अगर वो एडजस्ट हो गया कैसे होता है वो मेरे को देखना है, मेरे ख्याल से शायद वो उसे हाइड कर देगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस यार, वीडियो यहीं तक था। अगर फिर भी इसके रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं और ऐसी वीडियोज़ लाते रहता हूँ, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीष गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।